नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस विक्टर एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों के बीच 10वीं कक्षा की संस्कृत लेकर आया हुआ हूँ। मैं बता दूं कि संस्कृत दो भागों में बटी हुई है। ये संस्कृत का पहला भाग है और ये संस्कृत का दूसरा भाग है। फिलहाल मैं संस्कृत के पहले भाग पर बात करूँगा और मौका मिलते ही मैं फिर इस पर भी विस्तार से बात करूँगा। और ये कई एक अध्याय में बटी हुई है, कई एक पाठ में बटा हुआ है। इनमें से पहला पाठ है मंगलम। मैं टाइम को बर्बाद किए बगैर अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी समय कीमती और आपका भी समय, और कोई भी बेफिजूल की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैं सीधे मुद्दा पे आना चाहूँगा कि ये जो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप दोनों ही किताबों में गौर से देखेंगे तो आपको पीयूषम देखने को मिलेगा। तो पीयूषम जो है वो पीयूष शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता अमृत, ठीक है। अब इनका पहला अध्याय है मंगलम। तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। जब भी हम कोई कल्याण करने वाला जब कार्य करते हैं या शुभ कार्य होता है, उसे हम लोग मंगलम कहते हैं, ठीक है। और इनके जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास है। हमने यहाँ सारी चीज़ें लिख रखी है ताकि लिखने में मेरा टाइम बर्बाद ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आप भी बोर ना हो, मेरा भी समय बचे, इसलिए हमने जरूरत की सारी चीज़ें, श्लोक वगैरह सारी चीज़ें लिख रखी है। तो हमारी जो पाठ है वो मंगलम से रिलेट करती है। और हमने जान लिया कि मंगलम का जो अर्थ होता है वो शुभ या कल्याणकारी, और उसके जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। और ये उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ, ये उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला उप, दूसरा नि और तीसरा है शब्द। यहाँ देखिए कि उपनिषद तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला उप, दूसरा नि और तीसरा शब्द है। उप का अर्थ होता है निकट, है ना, और जाके जो है नि का अर्थ होता है बैठकर, शब्द का मतलब होता है अर्जन किया हुआ ज्ञान। अर्थात प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चलती थी कि जो बच्चे और विद्यार्थी जो छात्र हुआ करते थे, वह बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे समूह बनाकर बैठते थे और उनके जो गुरुजी हुआ करते थे वह उनकी ऊंचाई पर बैठकर बच्चों को, छात्र और छात्राओं को जो है पूरी जीवन से संबंधित या उनके पाठ से संबंधित उन्हें सारी तरह की ज्ञान दिया करते थे। और यही पद्धति को हम लोग उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद के माध्यम से उसे बाह्य ज्ञान भी दी जाती थी। बाह्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है जो बच्चों को बचपन के दिनों में, शुरुआती दौर में ही सिखला दी जाती थी। और उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। और इस मंगलम पाठ में कुल चार उपनिषद से पांच मंत्र लिए गए हैं। कुल चार उपनिषद से पांच मंत्र लिए गए हैं। वो चार उपनिषद यहाँ ईशावास्य, कंठ है, कट है और मुंडक है और श्वेताश्वतर है, ठीक है। और ये उपनिषद के जो रचयिता है वो ऋषि द्वैपायन है। और इनकी जो पांच मंत्र है वो क्रमशः हमने लिख रखी है। पहला मंत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा मंत्र और ये पांचवा मंत्र है, ठीक है। तो बारीकी से आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहे। मैं पांचों मंत्रों की विस्तारपूर्वक यहाँ पे चर्चा करूँगा। इससे पहले यहाँ पाठ परिचय दिया हुआ है, तो वो बोर्ड में जगह कम होने की वजह से हमने नहीं लिखा था, और मैं इसे पढ़ के यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ये सारे मंत्र हमने क्लियर कर दिए, यहाँ लिख रखी हमने। और ये जो इनकी जो यहाँ पर सारांश दी हुई है, यहाँ पर जो इनकी पाठ परिचय दी हुई है, वो मैं मौखिक रूप से एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप सभी बारीकी से इसे ध्यान से देखेंगे। ये इस प्रकार है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति स्वयं सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। ये पूरी एक सेंटेंस थी। अब एक एक करके मैं आप सबों के बीच इसकी एक्सप्लेनेशन रखना चाहूँगा। उपनिषद हम पहले ही समझ गए कि उपनिषद क्या है, कि गुरुओं के नज़दीक बैठकर जो उससे अध्ययन किया हुआ जो ज्ञान होता है उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मयस, यानी कि वैदिक साहित्य के अंतिम भागे माने भाग में दर्शन शास्त्र से मैंने दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रकट करता है। अर्थात उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते करा सर्वत्र मैंने सभी जगह। त्र जो है त्र वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है,
और इस त्र का अर्थ जो है जहाँ पे भी त्र आए तो समझ लीजिए कि इसका जो है स्थान के रूप में, जैसे अत्र मने यहाँ, तत्र मने वहाँ, जत्र मने जहाँ, सर्वत्र मने सभी जगह, कुत्र मने कहाँ, एकत्र मने एक जगह और अन्यत्र मने दूसरी जगह, ठीक उसी प्रकार से दा है ये एक प्रत्यय है और जहाँ पर भी ये आ जाए तो समझ लीजिए कि जो है समय का बोध होगा, जैसे अदा मने इस समय, तदा मने उस समय, जदा मने जिस समय, कदा मने किस समय, एकदा मने एक समय, अन्यदा मने दूसरी समय, सर्वदा मने सभी समय, तो ये एक प्रत्यय है। विस्तार से हम व्याकरण में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कह रहा सर्वत्र सभी जगह परम पुरुषस, परम पुरुषस यहाँ परमात्मा को कहा गया है कि सभी जगह परमात्मा की जो है महिमा, उनकी कृपा की जो प्रधानता यानी प्रधान रूप से गीयते मने गाई गई है, अर्थात सभी जगह चाहे वह किसी भी जगह की बात की जाए तो सभी जगह परम पुरुष जो परमात्मा है उसकी प्रधानता की जो है महिमा गाई गई है, उसकी गुणगान हर जगह हर काल में हर धर्म में हर स्थान पे जो है उसकी प्रधानता की महिमा की जो है गुणगान की गई है। करा तेन परमात्मपना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, तेन मने उन्हीं परमात्मना परमात्माओं से जगत मने ये सारा संसार व्याप्तम मने अनु व्याप्तम मने होता परिपूर्ण है, अनुशासितम मने अनुशासित है, चौ मने अस्ति अर्थात परिपूर्ण का अर्थ होता है कि हमारे दैनिक जीवन की जितनी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी ईश्वर ने अवेलेबल करवाई है, हमें हमारे जरूरत के जितनी सारी चीज़ें हो, पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए भोजन हो, या बीमार पड़ने के बाद तरह तरह की औषधियाँ हो, या अन्य सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी हुई है और पूरी अनुशासन के साथ वह हमारे जीवन का निर्वहन करवाते हैं। जब हमें बारिश चाहिए वो बारिश करवाते हैं, जब गर्मी चाहिए गर्मी करवाते हैं, जब ठंड चाहिए ठंड करवाते हैं, जिस मौसम में जिस तरह की फसल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है प्रकृति ने सेट कर रखी है और हम सभी अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते हैं। करा अस्मिन पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पदात्मकः पंचमंत्रा संकलितः सन्ति, करा अस्मिन मने इस पाठे मने पाठ में परमात्मपना परा मने उसी परमात्माओं की प्राप्ति के लिए उपनिषदाम उपनिषदों से पदात्मकः पद योग्य पंच मने पांच मंत्रा मने मंत्र को संकलिता मने लिया गया संति मने है, अर्थात इस पाठ में जो है उसी परमात्माओं की प्राप्ति या गुणगान के लिए उपनिषदों से पांच मंत्र लिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी पाठ परिचय देख लिया, हालांकि पहला श्लोक मैंने नहीं पढ़ा था, सॉरी पहला सेंटेंस उपनिषद वैदिक वांग्मय से अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने दी है कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमेश्वर की महिमा का जो है प्रधानता की महिमा की गुणगान की गई है, उन्हीं ईश्वर परमात्माओं की वजह से ये सारा संसार जो है वह परिपूर्ण और अनुशासित है, और साथ ही स एव सर्वेशाम परम लक्ष्यम, अर्थात सह मने वह एव मने ही सर्वेशाम सभी तपसाम मने तपस्याओं की परम मने होता है मुख्य रूप से लक्ष्य मने लक्ष्य की प्राप्ति, अर्थात हर जीवों की हर जगत प्राणियों की एक ही इच्छा होती है ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर के ईश्वरीय गुण को समझना, उस गुण के अनुसार अपने आप को ढालना और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितनी सारी जो है क्रियाएं होती उन सब क्रियाओं के लिए अपने आप को तैयार करना। तो इस तरह से हमने इसकी पाठ परिचय देख ली। अब यहाँ पे पांच मंत्र है और पांचों मंत्र को मैं बारीकी से यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये गद और पद दोनों रूप में है। तो पहला है, मैं इसे पद के रूप में पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा आप सबों के बीच, हिरणमयन पात्रेन सतस्यापि हितम मुखम तत्वम पोषण पावरिनु सत धर्माय दृष्टिये, ठीक है। और इसी को गायन के रूप में कहते हैं, हिरणमयन पात्रेन सतस्यापि हितम मुखम तत्वम पोषण पावरिनु सत धर्माय दृष्टिये। ध्यान से समझेंगे कि हिरणमयन पात्रेन मने हिरणमयन का अर्थ होता है स्वर्णमय, पात्रेन का अर्थ होता है आवरण से, स्वर्णमय आवरण से या सोने जैसी कोई अन्य चीज़ों से, सतस्यापि हितम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा सतस्य जोर अपि हितम, मिलकर बना है सतस्यापि हितम, तो सतस्य का अर्थ होता है सत्य का, अपिहितम मने होता है ढका हुआ है, क्या मुखम मने मुख। तो कह रहा है हिरणमयन पात्रेन मने स्वर्णमय आवरण से सतस्यापि हितम सत का ढका हुआ क्या मुंह, यानी सत का मुंह ढका हुआ है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं,
कि हम देखते हैं किसी को मर्डर करते हुए जैसे हम देख लिए, तो अगले दिन हम चाहे तो उसे फांसी के फंदे तक लटका सकते हैं, लेकिन अगले दिन वो 5 लाख की पेटी लेकर हमारे घर पे चले आए और कह दे कि भैया कल तुमने क्या देखा, तो हम कह देते हमने कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पर सत्य यानी कि वो जो अगर सत्य की राह पर चल के अगर वह सही स्टेटमेंट देते तो दोषी को सज़ा मिलती और जिनका जो क्षति हुआ जिस परिवार की, थोड़ी उनकी आत्मा को शांति मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने पैसों के लालच की वजह से अपनी स्टेटमेंट बदल दी, अर्थात ये जो लोभ है, लालच है, डर है, भय है, ईर्ष्या है, प्रेम है, ये सब एक तरह से स्वर्णमय आवरण का काम करता है जो सत्य का मुँह ढकता है। किसी को किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो इसीलिए उसके लिए वो झूठ बोलता है, किसी को किसी से बहुत ज़्यादा लालच हो इसीलिए उसके लिए झूठ बोलता है, किसी को किसी से बहुत ज़्यादा डर हो इसलिए उसके लिए झूठ बोलता है, किसी को किसी से बहुत ज़्यादा क्रोध हो इसलिए झूठ बोलता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो उसका काम बिगड़ जाएगा, तो इससे हमारा क्रोध जो है मेंटेन रहेगा। आगे देख लीजिए, तत्त्वं पूषन पावरेणु सत्धर्माय दृष्टये। तत् मन होता है इसे, त्वम का अर्थ होता है तुम, इसे तुम, पूषण पूषण का अर्थ होता है सूर्य देवता, अपावरण मैंने हटा दो, अर्थात हे सूर्य देवता इसे तुम हटा दो, ये स्वर्णमय आवरण को हटा दो। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म के दृष्टये मैंने होता है दर्शन के लिए। तो सूर्य देवता से पहले मंत्र के माध्यम से कही जा रही है कि ये जो सत्य का मुँह है स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, हे सूर्य देवता इस स्वर्णमय आवरण को तुम जो है सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए हटा दो। क्लियर है? इससे बहुत सारे सवाल बन के आएंगे, मैं ये पूरे श्लोक को क्लियर करके फिर सवाल सेक्शन में आऊँगा। तो आप सभी जो है पहले चारों और शेष श्लोक को क्लियर कर ले, उसके बाद फिर जाकर मैं दूसरे स्टेप में जाऊँगा इसकी ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो अगला श्लोक जो है, अनोर्णियाण महतो महियान आत्मस जंतर नोहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसदान महिमान मात्मनः। ये पद के रूप में हो गया, गद के रूप में देख लीजिए। अनोर्णियाण महतो महियान आत्मस जंतर निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसदान महिमान मात्मनः। एक एक करके इसका अर्थ देख लेते हैं। अनोर्णियान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है अनु और दूसरा अनियान, ठीक है। कुल मिलाकर अनोर्णियान का अर्थ कह ले तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, महतो महियान का अर्थ हो गया बड़ा से बड़ा और महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। आत्मा से, ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है, जंतुर्निहतो, जंतु मन होता प्राणियों, गुहायाम का अर्थ होता है गुफा में, है ना, निवास करता है। ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है कि वो निवास करता है। जंतुर्निहतो, प्राणियों के गुहायाम मन हृदय रूपी गुफा में वो क्या करता है, निवास करता है। तम क्रतु पश्यति वित शोको, वित शोको का अर्थ होता है चिंता रहित, जो चिंता रहित हो, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं हो, किसी भी तरह की कोई फिक्र न हो, प्रकृति की हर एक सिचुएशन को वो खुशी खुशी कबूल कर लेते हो, वो प्रकृति की आशीर्वाद समझकर उसे उससे कोई गिला शिकवाकर शिकायत ना हो, उसे हम लोग वित शोको कहते हैं। पश्यति का अर्थ होता है देख पाता है ना, समझ पाता है, जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। तो वही व्यक्ति आत्मा के रहस्य को देख पाता जो शोक रहित हो। आगे कह रहा है धातु प्रसदान महिमान मात्मनः। धातु का अर्थ यहाँ पर ईश्वर, प्रसदान मना होता है उनकी कृपा से, उनकी महिमान का अर्थ होता है महिमा से। तो धातु ईश्वर की महिमा से, है ना, वह परम पुरुष जो है आत्मा की, ईश्वर की महिमा से आत्मा के रहस्य को वही व्यक्ति देख पाएगा, वही व्यक्ति देख पाता है जो चिंता रहित हो। और तम क्रतु का अर्थ एक तरह से हम वासना रहित कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी वासना ना हो, बल्कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग तम क्रतु कह सकते हैं। तो हमारी दो श्लोक क्लियर हो गई, और पहला जो श्लोक है वो ईशावास उपनिषद से लिया गया है, और दूसरी जो श्लोक है वो कठ उपनिषद से लिया गया। हमने पहले भी बताया कि ये चार उपनिषद से कुल 5 श्लोक लिए गए हैं, उनमें से 2 श्लोक रिपीट हुआ है, मुंडक और जाके ये मुंडक सतमेव जयते और जाके ये जथा नदियों वाला, ये 2 श्लोक मुंडक से लिए गए हैं, बाकी की ईशावास कठ और श्वेताश्वतर से लिए गए हैं।
चलिए मैं तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा श्लोक, पहले मैं पद के रूप में इसे उच्चारण करना चाहूँगा। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन जेना कर्मयंत्र ईशो हयाप्त कामा जत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये पद के रूप में हो गई, थोड़ा गद के रूप में देख लेते हैं। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदतो देवयानः जेना कर्मयंत्रिष्यो हयाप्त कामः जत्र तत्र च परम निधानम। करा है सत्यमेव, सत्यमेव दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्यम जोर एव से, सत्यम का अर्थ होता है सत्य की, एव मन होता ही, जयते मन होता है जीत होती है, अर्थात सत्यमेव जयते मन सत्य की ही जीव जीत होती है, ना निरितम असत्य की नहीं, मने सत्य की ही हमेशा जीत होती है असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयानः, सत्येन मने सत्य से ही, सत्य पे चल के ही पंथा मने रास्ते का, विदतो मने विस्तार होता है, देवयानः मने देवताओं के रास्ता का जो विस्तार होता है, वह सत्य के रास्ते पे चल के ही हम देवताओं के मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगे। और कि जो पूरी एक तरह से जगत होती है, देवता की जो हमारी प्राप्ति की जो मन में आकांक्षाएं होती है, उसी आकांक्षाओं को केवल हम सत्य के राह पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। करा जेना कर्मयंत ऋषियो हयाप्त कामा, जिस प्रकार से है ना ऋषियो ऋषि लोग हयाप्त कामा अपनी मन की कामनाओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो ऋषि लोग क्या करते हैं, अपने मन की सारी आकांक्षाओं को, अपने मन की सारी कामनाओं को त्याग कर करके जत्र तत् सतस्य परम निधानम। जत्र मने जहाँ पर, तत् यहाँ पर उस कह सकते हैं, सतस्य मने होता है सत्य का, परम मने होता है श्रेष्ठ, निधानम मने स्थान, मने सत्य के उस श्रेष्ठ स्थान पर अपने आप को पहुँचा देता है, या अपने आप को पहुँचाने के लिए बार बार जो है लगातार परिश्रम करता रहता है। किसकी वजह से, अपने मन की आकांक्षाओं को, अपने मन की कामनाओं को दूर करके, शौक रहित रह कर करके, वासनाओं को, अपने मन की कामनाओं पे काबू पा कर करके, तब जाके ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वहाँ तक खुद को पहुँचाने के मार्ग में अपने आप को दिन रात प्रयत्न और मेहनत करता रहता है। तो इसकी चौथी श्लोक है और ये ली गई है मुंडक उपनिषद से। तो पहले मैं पद के रूप में इसे पढ़ना चाहूँगा, फिर उसके बाद गद के रूप में। तो करा है जथा नदिया छंदमाना समुद्रे अस्तम गछंती नाम रूपे विहाय जथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो ये हो गई हमारे पद के रूप में, थोड़ी गद के रूप में देख लेते हैं। जथा नदिया छंदमाना समुद्रे अस्तम गछंति नाम रूपे विहाय जथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो अब एक एक करके इसका अर्थ समझ लेते हैं। जथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, नदियों का अर्थ होता है नदियाँ, समुद्र का अर्थ होता है समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, अस्तवम गछंती मने छोड़कर नाम रूपे, नाम और रूप को है ना, सॉरी अस्तवम गछंती का अर्थ होता है कि बहती हुई नाम और रूप को विहाय मने छोड़कर, अर्थात जिस प्रकार नदियाँ जो है नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। आप देखे होंगे कि गंगा नदी है, गंगा नदी तब तक गंगा नदी है जब तक कि समुद्र में ना मिल जाए। कावेरी नदी तब तक कावेरी नदी है जब तक कि समुद्र में ना मिल जाए। ब्रह्मपुत्र नदी तब तक ब्रह्मपुत्र नदी है कि जब तक समुद्र में ना मिल जाए। तो समुद्र में मिलने के लिए उसे अपना नाम और रूप को त्यागना पड़ता, तभी जाकर वो समुद्र में मिल पाते हैं। अगर वो नाम और रूप से वंचित न हो, नाम और रूप को न त्यागे, तो समुद्र तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। करा जथा जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार, तथा मने ठीक उसी प्रकार, विद्वान मने ज्ञानी लोग जो होते हैं नाम रूपाद, नाम और रूप से विमुक्त, विमुक्त होकर करके, नाम और रूप से बिल्कुल जो है बाहर होकर करके, उससे दूर होकर करके, प्रातपरम पुरुषम उपेति दिव्यम। पुरुषम उपेति सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जो सर्वश्रेष्ठ लेवल है, दिव्यम मने उसकी प्राप्ति हो पाती है, यानी कि उस ज्योतिर्मय मार्ग पे वो चल पाते हैं जब अपने नाम और रूप से विमुक्त होते हैं और उन्हें ईश्वरत्व की जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महान पुरुष के नाम के लिस्ट में उनके नाम की गिनती होती है। अब मैं पांचवें मंत्र के रूप में
श्लोक को पढ़ना चाहूँगा जो कि श्वेतवासतर उपनिषद से लिया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्ताद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ पांथा विदते एना। अर्थात करा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्ताद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथे विदितो एना। ईश्वर स्वरूप, मैं वह ईश्वर स्वरूप जो है पुरुषम महांतम महान पुरुषो आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, वर्णम का अर्थ होता है प्रकाश, जिसके सूर्य के प्रकाश से तमसह मने होता है अंधकार, प्रस्ताद मने होता है कि दूर हो जाती है, मने जिसके सूर्य की किरणें पड़ते ही अंधकार दूर हो जाता है। और कह रहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, त्वमेव है ना, तमेव त्वम जोरेव तुम ही, विदित्वाति मृत्यु विदित्वाति वह वह ज्ञान का भंडार हो मृत्यु में थी, जिसको जानकर ही हम मृत्यु को जो है प्राप्त कर सकते हैं। नान्य दो शब्दों से मिलकर बना नौ जोर अन्य, अर्थात अन्य नौ मन नहीं, अन्य मन दूसरा, कोई दूसरा पंथा मन रास्ता नहीं है विदते एना ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो इस श्लोक के माध्यम से फाइनली ये कही जा रही है कि ईश्वर वह वेद स्वरूप है जिनके प्रकाश के पड़ते ही सालों सालों की अंधेरा एक झटके में गायब हो जाती है, और वही ईश्वर को जानकर उसे मृत्यु पर विजय पा सकते। नौ अन्य नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है विदते ना ईश्वर तक पहुंचने का। तो इस तरह से फाइनली पांचों श्लोक पूरे हो गए, और मैं शॉर्ट में पांचों श्लोक को रिपीट करना चाहूँगा। इस श्लोक के माध्यम से ये कही जा रही है कि हे सूर्य देवता, सत का मुँह जो स्वर्णमय आवरण लोभ लालच डर भय ईर्ष्या से ढका हुआ है, सत की प्राप्ति के लिए और दर्शन के लिए इसे आप हटा दे। दूसरा है कि ये जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, और इस आत्मा के रहस्य को वही लोग समझ पाते हैं ईश्वर की कृपा से जो वासना रहित हो और चिंता रहित हो। इस तीसरे नंबर के श्लोक जो कि पहला श्लोक ईशावास उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से, तीसरी जो श्लोक है वो मुंडक उपनिषद से ली गई है, और तीसरे श्लोक का यहाँ पे अर्थ है कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य के रास्ते पर चल करके ही जो है ईश्वर के रास्तों का जो है विस्तार होता है। जिस प्रकार ऋषि लोग अपने मन की इच्छाएँ और कामना को पर विजय प्राप्त करके उस सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपने आप को स्थापित करता है, जहाँ पर जाने के बाद कोई व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि जो है महापुरुषों में उनकी गिनती होने लग जाती है। चौथा श्लोक जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ जो है अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर समुद्र में मिल जाती है, अर्थात नदियाँ को समुद्र में मिलने के लिए अपने नाम और रूप से परे होने पड़ता है, नाम और रूप को त्यागना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान को भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर छुटकारा पा करके तब जाके हम जो है दिव्यता मतलब ईश्वर के उस मार्ग पर ले जाकर स्थापित कर पाने में सामर्थ्यवान होते, जहाँ पर अन्य लोगों की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। और पांचवा जो श्लोक है जो है प्राणियों के रूप में हम सभी के जीवन में सूर्य की प्रकाश की भांति लाकर जो हमारे जीवन का अंधेरा होता है उसे एक ही क्षण में दूर कर देता है, और उसे जान करके ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, दूसरी कोई उपाय नहीं है मृत्यु पर विजय पाने की। अब इसमें से देखिए बहुत सारे सवाल निकल कर आ जाएंगे, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे सवालों की ढेर लग जाएगी इसमें, तो सबसे पहला सवाल यह है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो शुभ या कल्याणकारी। दूसरा सवाल इसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। तीसरा ये किससे ली गई है, उपनिषद से। चौथा उपनिषद का अर्थ क्या था, गुरु के समीप बैठना। पांचवा सवाल उपनिषद की कुल संख्या कितने हैं, तो 108। और उस अगला सवाल कि उपनिषद के रचयिता कौन है, ऋषि द्वैपायन है। और ये पीयूषम का अर्थ क्या होता है, तो ये शब्द पीयूष से लिया गया जिसका अर्थ जो है वो अमृत होता है। इसमें कितने उपनिषद हैं, चार उपनिषद के माध्यम से पांच मंत्र लिए गए। कौन सा उपनिषद है, तो ईशावास से कठ है, मुंडक है और श्वेतवासवतर है। ठीक है, पहला श्लोक से देखिए कौन क्या क्या सवाल बन सकता है। सत का मुँह किससे ढका हुआ है, तो स्वर्णमय आवरण से। उल्टा, स्वर्णमय आवरण से किसका मुँह ढका हुआ है, सत का। किस देवता से इस आवरण को हटाने की बात की जा रही है, सूर्य देवता से। सूर्य देवता से किसे हटाने की बात की जा रही है, स्वर्णमय आवरण को, किस चीज़ के लिए, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए। तो सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटाना होगा, तो स्वर्णमय आवरण को।
ठीक है, बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, आत्मा, आत्मा क्या है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, हर सवाल को उल्टा यहाँ करते चले जाएंगे ताकि कितना भी घुमा के सवाल क्यों ना पूछी जाए तो एक झटके में हम उनके उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। एक सवाल यहाँ से और बनेगा कि ये जो पहला श्लोक है हिरण्मयन पात्रन किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास उपनिषद से। उसके बाद ये जो आत्मा वो कहाँ निवास करता है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करता है, तो आत्मा। और उस इस आत्मा के रहस्य को कौन देख पाते हैं, जो कामना रहित हो और चिंता रहित हो, चिंता रहित और कामना रहित जो है किसके रहस्य को समझ पाते हैं, तो आत्मा के रहस्य को, किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महिमा से। अगला श्लोक जो सत्यमेव जयते है, सवाल बन जाएगा किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की क्या होती है, जीत होती है, किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। भले सत्य कितना भी प्रताड़ित किया जाए, भले ही जो असत्य है वो कितना भी ज़्यादा हाईलाइटेड की जाए, कितना भी ज़्यादा उनको मतलब कि सही साबित करने की कोशिश की जाए, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता है जहाँ पर असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है। उसके बाद कह रहा सत्य से जो है किसकी रास्ता का जो है विस्तार होता है, तो देवताओं का रास्ता का विस्तार होता है। देवताओं का रास्ता का विस्तार किससे होता है, सत्य से होता है। उसके बाद कौन जो है ये सत्य के श्रेष्ठ स्थान पर अपने आप को निरूपित कर पाता है, तो वही व्यक्ति कर पाते हैं जो हयाप्त कामा मतलब अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर जो है विजय पाता है, वह व्यक्ति ही जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जो ईश्वर स्वरूप माने जाते हैं वहाँ पर खुद को स्थापित कर पाता है। तो लोग से देखिए बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। पहला जथा नदिया किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक से। ठीक है, तो करा है कि नदियाँ जो है समुद्र में पहुँचने से पहले किसे त्यागना पड़ता है, तो नाम और रूप को। नाम और रूप को कौन त्यागता है, तो नदियाँ त्यागता है। नदी नाम रूप को त्याग करके कहाँ पहुँचता है, तो समुद्र में। समुद्र में कौन पहुँचता है, नदियाँ पहुँचता है। इस तरह से घुमा सुमा के बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो उसी प्रकार विद्वान को जो है विद्वान को विद्वान बनने के लिए उसे क्या त्यागना पड़ता है, तो उसका नाम और जो है रूप को उसको त्यागना पड़ता है। मतलब रूप से कोई लेना देना नहीं है, उसका रूप कितना भी कुरूप क्यों ना हो, उसकी लंबाई हो या फिर मोटाई हो या दुबला हो या पतला हो या फिर जाके उनके जो अपनी श्रृंगार होती है, अपनी जो सौंदर्य बढ़ाने की मन में चाहत होती है, उसे वो बिल्कुल त्याग देते, तभी जाके वह जो है व्यक्ति विद्वान की श्रेणी में आ पाते, तभी वह जो है विद्वान उनको कही जाती है। तो इस श्लोक से देख लीजिए तार जो होती है वो किससे दूर होती है, तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से क्या दूर होती है, तो अंधकार दूर होती है। और उसके बाद कह रहा है कि मृत्यु को प्राप्त करने का क्या रास्ता हमारे पास, तो एक ही रास्ता है कि सद के मार्ग को जानकर, उसी को फॉलो करके, उसी को प्राप्त करके, तब हम मृत्यु को पार कर पाएंगे, अन्यथा दूसरी हमारे पास कोई इसका विकल्प नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी YouTube की दूसरी वीडियो थी संस्कृत के रूप में।